हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही याद। शाम का समय था, सूरज ढलने में अभी बहुत वक्त बचा हुआ था। तभी उदय अपनी क्लास खत्म करके डीन के कैबिन की तरफ जाने लगा। कॉलेज का अच्छा और बेहतर रिजल्ट लाने वाला टीचर होने के कारण डीन भी उदय के कहने पर शाम तक रुकने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उदय डीन के ऑफिस में पहुंचा तो उसने देखा कि डीन पहले से ही उसका इंतजार करते हुए घड़ी की तरफ देख रहा था। इसलिए उदय कहता है, मुझे माफ कीजिएगा सर, मुझे आने में थोड़ा समय लग गया, पर जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, इसलिए मैं इसे कल पर नहीं टाल सकता था। डीन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर उदय, आप जो कहना चाहते हैं बेझिझक कहिए, वैसे भी आप दिन में 6 क्लासेस लेते हैं जो कि एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा है। उदय कहता है, आपके अप्रिसिएशन के लिए धन्यवाद सर, दरअसल मेरे दिमाग में काफी दिनों से एक आइडिया घूम रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे इस बारे में बात करूंगा। अगर आपको मेरी बात ठीक ना लगे तो आप मुझे सीधा मना कर सकते हैं। डीन कहता है, उदय आप उसकी चिंता ना करें, अपनी बात कहें। उदय कहता है, हम लोग बच्चों को मोटिवेट करने के लिए काफी सारी चीजें करते रहते हैं, लेकिन ये स्कूल के नहीं बल्कि कॉलेज के बच्चे हैं, हमें इन्हें सीधा रिजल्ट दिखाना होगा कि इस कॉलेज से निकले हुए कई सारे टॉपर अपनी जिंदगी के ऐसे मुकाम पर हैं जहां पर पहुंचने के लिए इंसान को एक जिंदगी तक कम पड़ जाती है, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शुरुआती पढ़ाई तो काफी अच्छे से की है लेकिन धीरे धीरे उनकी राह भटक गई। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक पार्टी रखते हैं जहां पर हम पुराने स्टूडेंट्स को बुलाकर और उन्हें आपस में खुलकर बात करने का मौका देंगे, क्योंकि भाषणबाजी, बयानबाजी, अच्छे कोर्सेस, पॉजिटिव स्पीच, हम ये कई बार सुना चुके हैं, उसका असर बच्चों पर कितना पड़ता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं बस इसमें कुछ नयापन लाना चाहता हूँ, अब आप खुद बताइए क्या मेरा आइडिया ठीक है। डीन ने कुछ देर तक उदय की बात पर गौर किया। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उदय पुराने बच्चों को बुलाकर क्या करवाना चाहता है, लेकिन जब उसने कहा कि उनके बीच में नॉर्मल बातचीत होगी और इससे कॉलेज से निकलने वाले बच्चे काफी कुछ सीखेंगे, तब डीन समझ गया कि उदय का ये प्लान किस तरह से काम करेगा। लेकिन हाँ करने से पहले वो उदय से कुछ बातों पर चर्चा करना चाहता था, इसलिए वो कहता है, उदय सच कहूं तो प्लान अच्छा है और एडवांस ही है, शायद तुम्हारा फॉरेन कल्चर से ताल्लुक रहा है इसलिए तुम आज की एडवांस चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हो, लेकिन मेरा एक ही कंसर्न है, अगर हम सभी पुराने बच्चों को बुलाएंगे तो हो सकता है कि उनमें से कुछ की जिंदगी इतनी खराब चल रही हो कि वो हमारे स्टूडेंट्स को कोई पॉजिटिव मैसेज देने की बजाय नेगेटिव मैसेज देकर चले जाएं, तो उससे हम कैसे बचेंगे या फिर उससे हम स्टूडेंट्स को कैसे बचाएंगे। उदय कहता है, सर मुझे पता था आप इस तरह का सवाल जरूर पूछेंगे, और पूछना चाहिए क्योंकि ये सवाल हमारा नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य का है, इसलिए ये लिस्ट मैंने पहले से ही तैयार कर ली थी और इसमें उन लोगों का नाम लिख दिया था जो स्टूडेंट्स को गलत सीख देने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इतना कहते ही उदय ने अपनी फाइल से एक पेपर निकाला और डीन की टेबल के ऊपर रख दिया। साथ ही अपनी बात को जारी रखते हुए उदय ने कहा, और सर मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम एक दिन का ना होकर कम से कम 2 हफ्तों का हो, क्योंकि एक दिन में ना तो कोई किसी से इम्प्रेस हो सकता है और ना ही कोई किसी से कुछ सीख सकता है। डीन कहता है, ठीक है मुझे इस पर गौर करने का थोड़ा समय दो तो मैं किसी नतीजे पर पहुंच पाऊं, क्योंकि 2 हफ्ते के लिए परमिशन मिलना बड़ा मुश्किल हो सकता है। इतना कहते ही डीन लिस्ट की तरफ देखने लगा। उसने लिस्ट में लिखे हुए सभी 25 नामों को गौर से पढ़ा। उन नामों में से एक नाम जिया का भी था, लेकिन उदय ने जिया का नाम इस तरह से प्लेस किया था कि किसी को भी उस पर सवाल खड़ा करने का ख्याल ना आए। तभी अपनी कुर्सी से उठते हुए उदय डीन की तरफ देखते हुए कहता है, सर वैसे तो 2 हफ्ते का समय छोटा नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इन 2 हफ्तों में बच्चों की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है तो हमें ये चांस ले लेना चाहिए,
बाकी आपका जो भी फैसला होगा आप मुझे बता देना। इतना कहते हुए उदय दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी डीन ने उदय से कहा, मिस्टर उदय, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका प्रस्ताव सबको पसंद आए, क्योंकि मुझे पर्सनली ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैं जल्दी आपको पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ गो अहेड देना चाहता हूँ। उदय मुस्कुराते हुए ऑफिस से बाहर आता है और तुरंत रोशनी को मैसेज टाइप करते हुए लिखता है, समझ लो 50% काम हो गया, बाकी एक दो दिन में पता चल जाएगा। रोशनी स्माइली के साथ रिप्लाई करते हुए लिखती है, चलो अच्छी बात है, इसका मतलब हम दोनों की जिंदगी में बहुत जल्द सचमुच अच्छे दिन आने वाले हैं। वो क्या है ना, मैं इतने दिन से जिस चीज का इंतजार कर रही थी आज वो चीज हो गई, इसलिए मुझे लगता है सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। अगर तुम शाम को फ्री हो तो मुझे बताना, एक एक पैक के साथ डिटेल में बात करते हैं। इतने में रोशनी भी ऑफिस से निकलती है और उदय भी कॉलेज से घर जाने के लिए कार पार्किंग की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ जिया हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी और दूसरी तरफ इन सब चीजों के साथ शालिनी मोहिनी का ध्यान रख रही थी। तभी शालिनी जिया से कहती है, देखो जिया, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, मैं तो कहती हूँ तुम्हें नाराज होना भी चाहिए कि मैं उस वक्त मनोहर को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो गई थी। जिया कहती है, बीती बातों को अपने कल में ही खत्म कर दें तो बेहतर होगा, नहीं तो तुम भी जिंदगी भर सोचती रहोगी और मैं भी। वैसे भी दोस्तों के बीच में छोटे मोटे डिफरेंसेस तो आते ही रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आज मुझे बस इस बात की खुशी है कि आखिरकार माँ घर आ पाएंगी। इतना कहते ही जिया ने काउंटर पर सारे बिल भर दिए और फिर वो डॉक्टर पवन से मिलने के लिए उसके ऑफिस की तरफ जाने लगी। आगे बढ़ते हुए शालिनी जिया से कहती है, देखो जिया, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे लिए आंटी की देखभाल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खुद ही बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए तुम जहाँ रह रही हो वहीं रहो, मैं आंटी को लेकर नारायणा चली जाती हूँ। इतना सुनते ही जिया हैरानी से शालिनी की तरफ देखती है और उससे पूछती है, ही कैसी बात कर रही हो शालिनी, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी माँ का ध्यान नहीं रख पाऊंगी? शालिनी कहती है, जिया, तुमने जितना उनके लिए किया है उतना कोई और बेटी या बेटा नहीं कर सकता था, इसलिए शक की तो बात उठ भी नहीं सकती है। मैं तो बस इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ, तुमने इतना कुछ झेला है और अब जब तुम घर जाकर अपनी माँ की देखभाल करोगी, उस बीच में अगर कोई चीज आंटी को अच्छी ना लगे या कोई चीज तुम्हें अच्छी ना लगे और तुम दोनों के बीच में अनबन होने लगे, उससे बेहतर है कि तुम अपनी चीजों को निपटा लो और उसके बाद आंटी की देखभाल करने वापस आओ, तब तक मैं उनकी देखभाल कर लूंगी। वैसे तो जिया को शालिनी की बात ना तो समझ आ रही थी और ना ही उसे अच्छी लग रही थी, क्योंकि उसने सोचा था जब भी मोहिनी डिस्चार्ज होगी तब वो उसे घर लेकर जाएगी, उसके लिए हर रोज खाना बनाएगी और उसका पूरा ध्यान रखेगी। लेकिन कहीं ना कहीं शालिनी की बात गलत भी नहीं थी और जिया अपने गुस्से को बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी, इसलिए उसने शालिनी की तरफ नजर उठाकर कहा, ठीक है, आज माँ को घर छोड़ने के बाद मैं वापस चली जाऊंगी और फिर तुम माँ का अच्छी तरह से ध्यान रखना और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत बता देना। शालिनी जिया को देखकर मुस्कुराती है और उसे गले लगा लेती है। तभी जिया नॉर्मल बिहेवियर के साथ कहती है, शालिनी, हम इस वक्त डॉक्टर के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, इसलिए अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखने की कोशिश करो। शालिनी शर्मिंदगी के साथ खुद को जिया से अलग करते हुए जमीन की तरफ देखने लगी। तभी जिया ने कैबिन का दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई, आइए आइए, अंदर आ जाइए। आवाज डॉक्टर पवन की थी। उसने उसी लहजे में उन दोनों से बात की जैसे वो बाकी पेशेंट्स के साथ करता था। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला उसके बाद डॉक्टर पवन ने जिया का चेहरा देखा तो वो हैरान हो गया और उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ जिया, बताओ मेरे लायक क्या सेवा है? जिया कहती है, डॉक्टर पवन, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप नहीं होते तो शायद आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं होती, ये सब आपकी मेहनत की बदौलत हुआ है और मुझे सिर्फ आपका एक सिग्नेचर डिस्चार्ज पेपर पर चाहिए। पवन ने डिस्चार्ज पेपर की तरफ देखा, हालांकि पवन उस पेपर पर साइन नहीं करना चाहता था, उसका मन था कि वो एक हफ्ते और मोहिनी को हॉस्पिटल में रखे,
और जब भी जिया मोहिनी से मिलने आए तब उसे वो छुप छुप कर देखे। लेकिन कल रात फैली खबर ने उसके दिल को चकनाचूर कर दिया था। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जिया किसके साथ अपनी जिंदगी बिता रही है और किसके साथ नहीं। पेपर पर साइन करते हुए पवन के मन में अभी एक हल्की फुल्की उम्मीद का दिया टिमटिमा रहा था, लेकिन उसके पास जिया के करीब जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए उसने झटके में साइन करके पेपर को जिया की तरफ खिसका दिया और उसे गुड लक कहकर अपना काम करने लगा। ऑफिस से बाहर निकलने से पहले जिया ने एक बार और पवन को थैंक यू कहा और फिर सीधा चली गई। जिया के जाते ही पवन बिना शोर किए जोर से चिल्लाया और उसने अपने बाल नोच लिए। वो आज तक कई लड़कियों से मिला था और उसने कई बार रिलेशनशिप में रहकर झगड़े और प्यार वाले रिश्ते को करीब से महसूस किया था, लेकिन फिर भी जो तड़प उसके दिल में जिया को देखकर उठती थी वो उसके लिए नई थी। अगर उसने वीवो पेज पर जिया और अगस्त की फोटोज नहीं देखी होती तो शायद वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता। दूसरी तरफ जिया वार्ड में पहुंचती है और मोहिनी का सामान पैक करना शुरू करती है। मोहिनी भी काफी दिनों से घर जाने के लिए बेताब थी। आज भगवान ने उसकी मन की मुराद पूरी कर दी। तभी मोहिनी जिया से कहती है, बेटा मैं एक बार घर पहुंच जाऊं ना, फिर तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। जिया मोहिनी से कहती है, माँ जरूर बनाना, लेकिन मुझे काम भी तो करना पड़ेगा, मैं हर रोज घर पर नहीं रह पाऊंगी। मोहिनी कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरी परेशानी समझती हूँ। इतना कहते ही मौसी, शालिनी और जिया ने मिलकर मोहिनी का सारा सामान इकट्ठा कर लिया और नर्स का सहारा लेकर मोहिनी को व्हील चेयर पर बिठाते हुए पार्किंग लॉट की तरफ लेकर आए। पार्किंग लॉट में जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो जिया ने देखा कि अगस्त अपनी कार के साथ सामने खड़ा था और जिया के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। ये देखकर जिया हैरान हो गई और मोहिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगस्त ने आगे बढ़कर मोहिनी को सहारा देते हुए अपनी कार में बिठाया और साथ ही जिया को भी मोहिनी के साथ बैठने के लिए कहा। लेकिन उस वक्त शालिनी अगस्त की बगल वाली सीट पर बैठने के लिए झिझक रही थी। जिया शालिनी की तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ शालिनी, तुम बैठ क्यों नहीं रही हो, बैठो कार में। जिया की बात सुनकर शालिनी भी चुपचाप कार में बैठ गई। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मोहिनी जिया का हाथ अपने हाथों में लेकर अगस्त की तरफ देखने लगी। मोहिनी को अगस्त और जिया के बारे में फैली हुई खबर का अच्छी तरह से अंदाजा था, लेकिन जब भी वो अगस्त और जिया को साथ में देखती थी तब उसका दिल सुकून से भर जाता था। क्या मोहिनी का सुकून बरकरार रह पाएगा? आखिर उदय ने जिया के लिए क्या प्लान किया था? क्या माया रोशनी के प्लान का पता लगा पाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।